हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर 2022 से एक और नए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे जीआई टैग से बनने वाले टॉप 50 वन लाइनर प्रश्नों की। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीआई टैग 2021 और 2022 से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जीआई टैग हैं उन्हें यहाँ पर कवर करेंगे। इस वीडियो को आप एक क्विक रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। इस वीडियो को मैंने सुपर फास्ट तरीके से बनाया है, यानी कि यदि आपका एग्ज़ाम जल्द से जल्द है तो आप एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन जीआई टैग से आपसे पूछे जा सकते हैं। वीडियो यदि आपको ये अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुपर फास्ट रिवीजन जीआई टैग का। जीआई टैग भौगोलिक संकेत। जीआई टैग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग का अर्थ क्या है? तो किसी वस्तु विशेष का उद्यम केवल एक क्षेत्र में विशेष में हुआ है जिसकी विशेष गुणवत्ता या प्रतिष्ठा है। ठीक है, जीआई टैग के पंजीकरण का प्रमाण भारत सरकार द्वारा वस्तुओं का भौगोलिक संकेत यानी कि पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत किया जाता है। यह अधिनियम 2003 में लागू हुआ था। साथ ही साथ याद रखिएगा, दार्जिलिंग की जो चाय है, जीआई टैग प्राप्त करने वाली पहली उत्पाद है जिसे 2004 से लेकर 2005 के बीच दर्ज किया गया था। ठीक है, इसके साथ याद रखिएगा, जीआई दर्जा प्राप्त करने वाला पहला भारतीय व्यंजन हैदराबाद हलीम है। ठीक है, हैदराबाद हलीम है। एक बार और देख लीजिए, इसको इम्पोर्टेंट है ये वाला पॉइंट। जीआई दर्जा प्राप्त करने वाला पहला भारतीय व्यंजन हैदराबाद हलीम है जिसे 2010 में दर्ज किया गया था। साथ ही साथ जीआई पंजीकरण प्राप्त वस्तुओं की अधिकतम संख्या वाला राज्य कर्नाटक है। अगस्त 2022 तक की जानकारी के अनुसार 48 वस्तुओं को यहां पर जीआई टैग प्राप्त हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे मिथिला मखाना की। ठीक है, मिथिला मखाना, देखिए बिहार मखाना का नाम बदलकर मिथिला मखाना कर दिया गया जिसको जीआई टैग प्राप्त किया गया है। ठीक है, मिथिला मखाना, ये बिहार मखाना था इसका पहले नाम, अब परिवर्तित कर इसका नाम कर दिया है मिथिला मखाना और इसको जीआई टैग प्राप्त है। अगला है कन्याकुमारी लौंग। देखिए 10 अक्टूबर 2010 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में उगाई जाने वाली लौंग जो कि मसाले के रूप में जानी जाती है को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, एग्जाम में पूछ ले यदि आपसे कन्याकुमारी लौंग को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ये किस राज्य से संबंध है, किस राज्य से संबंध रखती है? तो ये रखती है तमिलनाडु से। ठीक है, भारत के कुल 1100 यानी कि 1100 टन लौंग उत्पाद में से लगभग 1000 टन का योगदान तमिलनाडु का है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है एड यूर मिर्च। ठीक है, एड यूर मिर्च, देखिए 10 अक्टूबर 2021 को केरल की प्रसिद्ध एड यूर मिर्च को जीआई टैग प्राप्त किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कुट्टी अट्टूर। देखिए 10 अक्टूबर 2021 को केरल के कुट्टी अट्टूर आम जो कि फल में आता है को जीआई टैग मिला था। ठीक है, नोट है यहाँ पर एक, याद रखिएगा नोट, 2019 में केरल के तिरूर बेटिल्ला पान पत्ता है जो कि इसको भी जीआई टैग प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है करूपुर कलमकारी। ठीक है, तो देखिए इसका संबंध भी तमिलनाडु से है, याद रखिएगा 8 अक्टूबर 2021 को तमिलनाडु के करूपुर कलमकारी पेंटिंग को जीआई टैग मिला। यह पारंपरिक डाई पेंटिंग अलंकारिक है। ठीक है, इस पेंटिंग का विकास नायक शासकों के संरक्षण में विकसित हुई थी ये। इसके बाद आता है कल्ला कुरीची लकड़ी नक्काशी। ठीक है, कल्ला कुरीची लकड़ी नक्काशी
8 अक्टूबर 2021 को तमिलनाडु के, याद रखिएगा, तमिलनाडु के कल्लाकुरीची लकड़ी की नक्काशी को जीआई टैग मिला है। साथ ही साथ याद रखना, लकड़ी पर नक्काशी की कला का विकास प्राचीन काल में मदुरै राज्य में शाही शासन के तहत हुआ था। नेक्स्ट है रटोल आम उत्तर प्रदेश के बागपत में उगाए जाने वाले रटोल आम को 8 अक्टूबर 2021 को जीआई टैग मिला है। ठीक है, पाकिस्तान में इस आम को अनवर रटोल के नाम से उगाया जाता है। ठीक है, अनवर रटोल के नाम से उगाया जाता है। इसके बाद बात करेंगे सफ़ेद प्याज। ठीक है, सफ़ेद प्याज के बारे में देख लेते हैं। 6 अक्टूबर 2021 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिला है। महाराष्ट्र में अब कुल 25 जीआई टैग प्राप्त वस्तुएं हैं। तो एक बार देखिए, रिवीजन कर लेते हैं। मिथिला मखाना ये बिहार से संबंधित है, कन्याकुमारी लौंग तमिलनाडु से, एडियूर मिर्च ये केरल से संबंधित है, कुट्टी अट्टूर ठीक है ये फल है और ये कहाँ से संबंधित है, केरल से है, करूपुर कलमकारी ये तमिलनाडु से है, कल्लाकुरीची लकड़ी नक्काशी ये भी तमिलनाडु संबंधित है, रटोल आम उत्तर प्रदेश से संबंधित है और सफ़ेद प्याज महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है महोबा पान, उत्तर प्रदेश से संबंधित है ये। ठीक है, किससे, उत्तर प्रदेश से, देख लेते इसके बारे में। 5 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के उत्पाद महोबा पान को जीआई टैग मिला है। महोबा के पान की परंपरा को चंदेलों और मुगलों ने संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला देखते हैं चिन्नौर चावल, मध्य प्रदेश से इसका संबंध है। देखिए, मध्य प्रदेश का है ये जीआई टैग चावल, चिन्नौर चावल, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के चिन्नौर चावल को 30 सितंबर 2021 को जीआई टैग मिला है। कृषि के लिए यह है मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कृषि के लिए यह मध्य प्रदेश का पहला जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है। इसके बाद है सोजत मेहंदी, ठीक है, राजस्थान से है ये जीआई टैग मेहंदी। सोजत मेहंदी राजस्थान के पाली जिले के सोजत क्षेत्र के सोजत मेहंदी को 29 सितंबर 2021 को जीआई टैग मिला। नेक्स्ट है जुडीमा वाइन, ठीक है, असम से ये संबंधित है, जीआई टैग इसको प्राप्त हुआ है। 29 सितंबर 2021 को असम के दिमासा समुदाय द्वारा बनाए जाने वाली घर की वनी चावल की शराब को जीआई टैग मिला। याद रखिएगा, जू इसका अर्थ होता है शराब और डीमा का अर्थ दिमासा समुदाय से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे बाडा कोलम चावल महाराष्ट्र का है ये चावल, इसको भी जीआई टैग मिला है 2021 में अक्टूबर में। महाराष्ट्र के पालघर जिले में उत्पादित बाडा कोलम चावल को अक्टूबर 2021 में जीआई टैग मिला था। नेक्स्ट है नागा खीरा, देखिए नाम से ही पता चल रहा है नागा खीरा, यानी कि नागालैंड से संबंध रखता है। तो नागालैंड के नागा खीरा को 29 सितंबर 2021 को जीआई टैग मिला। नोट है यहाँ पर एक, याद रखिएगा, पेंड टमाटर यानी कि टैमारिल्ली और प्रसिद्ध नागा राजा मिर्ची को भी जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, ये नागालैंड से ही संबंधित है। फिर है मिहिदान क्या है, तो देखिए ये एक तरह की मिठाई है दोस्तों, पश्चिम बंगाल की। ठीक है, देखिए 6 अक्टूबर 2011 को पश्चिम बंगाल के मिठाई मिहिदान को जीआई टैग मिला। वर्ष 2011 में इसकी पहली खेप बहरीन साम्राज्य को भेजी गई थी। अब हम स्टेट वाइज स्टेट देखेंगे दोस्तों जीआई टैग प्राप्त वस्तुओं को। तो देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा, उत्तराखंड से संबंधित है पहला इम्पोर्टेंट जो लाल चावल, इसको जीआई टैग मिला है लाल चावल को, और चयूर तेल। ठीक है, चयूर तेल ये दोनों ही प्रोडक्ट उत्तराखंड से संबंध रखते हैं और इन दोनों को जीआई टैग मिल चुका है। आगे बात करेंगे और इम्पोर्टेंट है, देखिए जलगांव केला फल, सांगली हल्दी और सोलापुर चादर, ये तीन प्रोडक्ट याद रखिएगा, तीनों प्रोडक्ट को महाराष्ट्र से इनका संबंध है,
इन तीनों को ही जीआई टैग मिल चुका है, इम्पोर्टेंट है ये तीनों ही। इसके बाद बात करेंगे गुच्छी मस्कम, केसर मसाला और कनी सॉल, ये तीनों ही जीआई टैग प्राप्त वस्तुएं हैं और ये किसकी हैं, जम्मू कश्मीर राज्य से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है डल्ले खुरसानी मिर्च, ठीक है, डले खुरसानी मिर्च और बड़ी इलायची मसाला इम्पोर्टेंट है, इनको जीआई टैग मिला था दोस्तों और ये सिक्किम राज्य से संबंध रखती हैं, किस राज्य से, सिक्किम। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जरदालू आम, सिलवा खाजा, ये एक तरह का मिठाई है, और शाही लीची, ठीक है, ये तीनों ही जीआई टैग प्राप्त वस्तुएं बिहार से संबंधित हैं, ठीक है, बिहार, जिसमें इम्पोर्टेंट है शाही लीची। इसके बाद देखिए नरसिंह पेटई, नाग स्वरम और स्लेम फैब्रिक, ठीक है, स्लेम फैब्रिक, इनका संबंध तमिलनाडु से है, ठीक है, तमिलनाडु से है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा नरसिंह पेटई नाग स्वरम क्या है, क्योंकि यदि आपने इसको सर्च किया गूगल पर तो आप इसका चित्र देखकर समझ जाएंगे और ये आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा, ठीक है, ये आपके लिए एक चैलेंज होगा। चलिए इसको पूरा कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, देखिए हाथी मिर्च मसाला को जीआई टैग मिला है। इसके बाद है तामेंग लोंग मैंडरिन फल, ये तरह का फल है, और काला चावल, ये जीआई टैग प्राप्त वस्तुएं हैं मणिपुर राज्य की, किस राज्य की हैं, मणिपुर राज्य की। इसके बाद देखिए हमने इससे पहले देखी थी शाही लीची, अब आ रही है तेजपुर लीची, याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा लीची में, ये है तेजपुर लीची जिसका संबंध है असम से, किससे, असम राज्य से। इसके बाद है काजी नेमू, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसको सर्च कीजिएगा जिससे कि आपको अच्छे से याद हो सके कि ये प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको डिटेल के साथ पूरा बताऊंगा, ठीक है। देखिए काजी नेमू क्या है ये, तो ये जीआई टैग प्राप्त वस्तुएं असम से संबंधित हैं, इसको एक बार आप सर्च कीजिएगा काजी नेमू को, ठीक है। डायग्राम या मेरा कहने का मतलब है इमेज देखकर आपको अच्छे से याद हो जाएगा ये। चलिए आदिवासी गुड़िया, कड़कनाथ मुर्गा, बालघाट चिन्नौर धान, ये सभी मध्य प्रदेश की हैं जीआई टैग प्राप्त वस्तुएं, ठीक है। इसके बाद देखिए हरमल मिर्च, मिंदौली केला व खाजा तथा खोला चिली, ये सभी गोवा से संबंधित जीआई टैग प्राप्त वस्तुएं हैं। इसके बाद ये सोजत मेहंदी को हमने भी पढ़ा था, ये राजस्थान से है। कठपुतली राजस्थान से है। बीकानेरी भुजिया, ठीक है, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है और ये भी राजस्थान की है। नेक्स्ट है कांगड़ा चाय और कुल्लू सॉल, ठीक है, देखिए नाम से आप याद रख सकते हैं, कुल्लू सॉल ये हिमाचल प्रदेश का जीआई टैग प्राप्त वस्तु है, और कांगड़ा चाय ये कहाँ का है, ये भी हिमाचल प्रदेश का ही है। चलिए मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूँ यहीं पर। काजी नींबू, ये असम का एक नींबू है दोस्तों, ठीक है, क्या असम का नींबू है, इसको गोल नींबू भी कहते हैं, गोल नींबू, ठीक है, काजी नींबू और गोल नींबू के नाम से इसको जाना जाता है, असम लेमन, ठीक है। लंबा होता है ये, जैसा कि हम नॉर्मल नींबू देखते हैं वो गोल होता है, लेकिन ये जो नींबू है ये लंबा होता है। चलिए मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। नरसिंह पेटई नाग स्वरम, जैसे कि आपको पता चल रहा है नाग स्वरम, देखिए ये एक तरह का यंत्र है, ठीक है, जिस प्रकार आप सहनाई को देखते हैं, सहनाई होती है लंबी सी बांसुरी, ठीक है, बजाने वाली, इस प्रकार का होता है ये, कुछ इस प्रकार का होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ बनाकर, इस प्रकार का होता है, लंबा सा होता है, इस तरह का होता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ से हवा भरने पर, यानी कि मुंह से हवा डालने पर यहाँ पर ये बजता है, ठीक है। तो ये एक तरह का वाद्य यंत्र है, ठीक है, नरसिंह पेटई नाग स्वरम ये वाद्य यंत्र है, इसको याद रखिएगा। मैं दोनों ही आपको क्लियर कर दिए, नरसिंह पेटई नाग स्वरम और असम का काजी नेमू, असम का काजी नेमू।